रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर, कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक, आज प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का बैठक लेंगे। चिंतन शिविर के निर्देश लागू करने पर चर्चा होगी, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर मंथन होगा। तो कांग्रेस भवन में ये बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, सबसे पहले इस मंथन को लेकर जानकारी दें जो आज होने जा रही है। देखिए, आज जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का और डॉक्टर चंदन यादव, ये दो रायपुर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही राजीव भवन में कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे, तमाम प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये बताया जा रहा है कि उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, उस चिंतन शिविर में जो जो निर्णय लिए गए थे, जो जो प्रस्ताव पारित हुए थे, उनको किस तरह से प्रदेश में लागू करना है, सभी जिलों में लागू करना है, उसको लेकर विचार मंथन यहां पर होगा। इसके अलावा जो संगठन के चुनाव चल रहे हैं, उस संगठन के चुनाव में क्या प्रक्रिया चल रही है, कहां तक पहुंचा है ये चुनाव, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहां पर बैठक होने वाली है। कुछ देर बाद ही ये बैठक राजीव भवन में शुरू होगी, जिसमें प्रदेश के जो सह प्रभारी हैं सप्तगिरी शंकर उल्का और डॉक्टर चंदन यादव, ये शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम रहेंगे और कांग्रेस के जितने तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो रहेंगे। इस बैठक के बाद फिर जून महीने में दो कार्यशाला भी यहां पर आयोजित की जाएगी। उस कार्यशाला में प्रदेश के सभी पदाधिकारी रहेंगे, जिला के पदाधिकारी रहेंगे, और उनको कार्यशाला के जरिए बताया जाएगा जो चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए हैं उसको किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाए, उसका इंप्लीमेंट किया जाए, और इसी तरह की कार्यशाला फिर जिलों में भी आयोजित की जाएगी। तो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कांग्रेस के जो सह प्रभारी द्वय हैं वो पहुंच चुके हैं यहां पर। कुछ देर बाद ही राजीव भवन में बैठक होगी और इस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा फिर उसको जिला तक भी पहुंचाया जाएगा। चलिए राजेश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया आपका।